राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार एवं युवा नेता अजीत राव राणे, जो कि नगर सेवक के नाम से तो जाने ही जाते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं एज ए सोशल वर्कर। दोस्तों, अजीत राव राणे जी से मुलाकात की भारती है और हमारी टीम है, तो आइए चलते हैं अजीत राव राणे के ऑफिस में और बातचीत करते हैं अजीत राव राणे से, क्या कहते हैं वो राजनीति के बारे में और सोशल वर्क के बारे में और अपने कार्य के बारे में। राजनीति में काफी सक्रिय हो रही है और आप भी एक यंग एंड डायनेमिक नगर सेवक के रूप में जनता के सामने आए हैं, तो राजनीति में आने का विचार आपको कैसे आया? क्या ये आपको विरासत में मिला है? मैं तो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक कार्यकर्ता, मैं एक सोशल वर्कर, रूरल विलेज में कोकरीबाड़ा में रहकर लोगों की सोशल वर्क समाज सेवा करना करके मैं कभी सपने में नहीं देखा था कि मैं नगर सेवक बने, लेकिन लोगों ने मुझे अच्छा, मैं लोगों की सेवा किया, लोगों ने मुझे अच्छा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2002 में मैं इलेक्शन मुझे लड़ने की उन्होंने हिम्मत की, उसके बाद 2007 में वापस मैं इलेक्शन लड़ा और काफ़ी वोटों से मैं जीत गया, ये सब लोगों ने मुझे हिम्मत दिया है। और मेरे रही बात मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई राजनीति का कोई किसी का संबंध नहीं है, दूर तक कोई राष्ट्रवादी का राजनीति का संबंध नहीं है। मेरे परिवार में सब मिलिट्री के ऑफिसर होकर रिटायर हो गए, हम खेती करने वाले लोग, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों का मुंबई शहर में नौकरी के कारण मुंबई शहर में आया था, लेकिन अच्छा एक सेवा करते 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 मैं यहाँ पे नगर सेवक बनके 2007 में चुन गया। अजीत जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप गरीबों के नेता हो, आपके पास छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी जात धर्म का हो अपनी समस्या को लेकर आता है और आप उसका निवारण बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो ये जादू आप कैसे कर लेते हैं? सबसे पहला तो मैं नेता नहीं हूँ और मैं कुरार विलेज जैसे एक झोपड़पट्टी में रहके मैं नगर सेवक बन गया है, तो मैंने मेरे ऊपर जो संकट आई है, मुझे मालूम है कि एक दिन एक टाइम का खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मुझे मालूम है। और उसके लिए जो कोई गरीब मेरे पास आता है, जो कोई जात धर्म के बाद मेरे पास काम करने के लिए आता है, वो कोई पार्टी का रहने दो, कोई जात का रहने दो, कोई धर्म का रहने दो, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे पास जितना काम होता है, जो होता है, वो मैं प्यार मोहब्बत से उनके साथ काम करने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आकर लोगों को काम करने में सफल हुआ है, ये मुझे मालूम पड़ता है। उनका दर्द है वो मेरा दर्द है और उनका क्या दुख है वो मुझे मालूम पड़ता है। उसके लिए मेरे पास जो लोग आते हैं, जो अपना दुख लेके आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निवारण करने की कोशिश मैं करता हूँ और मेरे पास जो आते हैं वो हंस रो के आते हैं, वो हंस के निकल जाते हैं, यही मेरे ये सबसे जादू। आपके द्वारा कुरार विलेज में शिव जयंती 4 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सबसे पहला मैं
ये आपको कहना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज कोई पार्टी के थे नहीं, कोई जात के नहीं थे, कोई धर्म के नहीं थे। आपने शिवाजी महाराज शिवसेना वाले ही शिव जयंती बनाते ऐसे आपने जो मुझे पूछा, तो शिवसेना वाले लोगों ने शिवाजी महाराज का खाली नाम लेके महाराष्ट्र के सत्य के ऊपर आ गए, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। उनका काम, शिवाजी महाराज का काम महाराष्ट्र में शिवसेना वाले लोगों ने किया नहीं। आने वाले भविष्य में लोगों के यंग ग्रुप को शिवाजी महाराज के विचारों को चालना देने के लिए मेरे जैसा एक कार्यकर्ता शिव जयंती बनाते हैं और मैं लगातार चार दिन बनाते हैं। जो मेरे पास झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे लोगों को स्थानिक लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम मैं करता हूँ। मैं पहले दिन मेरे पास एक सर्वश्रेष्ठ उत्सव स्पर्धा रहती है, उसके बाद मेरे पास सोलो ग्रुप डांस होता है, सोलो डांस होता है, एक ड्रामा रहता है और शिवाजी महाराज के ऊपर जो जो लोगों को जो इतिहास है वो लोगों के सामने लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और पूरा विलेज जैसे झोपड़पट्टी में शिवाजी महाराज के विचारों को चालना देने का काम मेरे जैसा एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं करता हूँ। और यही मेरा, मैं लोगों को आने वाले भविष्य में ऐसा ही शिवाजी महाराज का जयंती बना के मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। अजीत जी, हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है और उन्हें हल करने के लिए आपने क्या किया? मेरे वार्ड की प्रमुख समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी पानी, जो मैंने ज्यादा से ज्यादा अभी पानी की समस्या जो लोगों की ज्यादा से ज्यादा हल करने के लिए कोशिश की। और दूसरी एक मेरी समस्या है, हमारे वार्ड की समस्या, मेरा वार्ड नंबर है 38 और मेरे वार्ड की समस्या रोड, गटर और पानी। और मैं अभी एक दो महीना पहले मेरे विभाग में जो लक्ष्मण नगर है, दत्तवाड़ी है, आनंदवाड़ी है, जादू कंपाउंड है, कुकनी पड़ा, ये वार्ड की जो पानी की समस्या थी वो मैं कम से कम 75% में पानी की समस्या हल करने का काम मैंने किया है। अभी मेरे वार्ड में जो रोड है वो 95% रोड मेरे वार्ड की मैं बना दिया, प्योर बॉक्स की बना दिया। मेरे कम से कम 65% जो गटर है, छोटे छोटे गटर है, वो बनाने का काम मैंने किया है। और आगे आने ऐसा ही काम मेरे वार्ड में जो ज्यादा से ज्यादा वार्ड काम करके लोगों की समस्या दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं अजीत जी। आने वाले दिनों में आपके इस क्षेत्र के लिए क्या योजना है? मेरा सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा वो शांताराम तालाब है वो शांताराम तालाब पे अच्छा सुशोभीकरण करके छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक पूरा विलेज के एंट्रेंस पर रहेगा। ये मेरी आगे आने वाला मेरे विकास का एक सबसे बड़ा काम है। उसके बाद पूरा विलेज में आने के लिए काफी ट्रैफिक की जो समस्या है वो रोड कटिंग करके ज्यादा से ज्यादा रोड बड़े होके पूरा विलेज की जो ट्रैफिक की समस्या है वो दूर करने का काम आगे मुझे करना है। और पानी की समस्या और बाकी सब में मैं अच्छी तरह से लोगों की सेवा करूँ।